खिड़किया में एसडीएम ने चिपाबड़ स्थित वाटर फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। एसडीएम ने मटमेले व बदबूदार पेयजल आपूर्ति को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। खिड़किया एसडीएम रीता डेहरिया ने चिपाबड़ स्थित वाटर फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। एसडीएम को पूर्व पार्षद संदीप भदौरिया ने शिकायत कर बताया कि नगर में जो पानी दिया जा रहा है वह मटमेला और बदबूदार है। पानी साफ करने के लिए घटिया फिटकड़ी का इस्तेमाल कर नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसको लेकर एसडीएम रीता डेहरिया ने निरीक्षण कर अधिकारी एआर सांवरे को शहर में शुद्ध और भरपूर पेयजल आपूर्ति करने के निर्देश दिए। खिड़किया से संदीप भदौरिया की रिपोर्ट। खिड़किया नगर परिषद के वाटर फिल्टर प्लांट के लिए कुछ पत्रकार बंधुओं ने फ़ोन किया था मुझे, जहां पर फिल्टर प्लांट में जाकर मैंने निरीक्षण किया, जिसमें एलम के संबंध में शिकायत थी। कुछ क्लोरीन पाइप वहाँ टूटा हुआ था और पानी की जो शुद्धता है उसमें कुछ बदबू आने की बात कही गई थी। अभी मैं सैंपल मंगवा रही हूँ, इस संबंध में सभी प्रकार की जो शिकायतें थी उसके संबंध में जांच करवाई। पाइप लगाने के लिए, उसके मरम्मत के लिए तत्काल करने के लिए बोला गया है, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में वो मरम्मत का कार्य नहीं किया जा सकेगा, तो इसलिए अभी नागपुर से ये व्यवस्था हो रही है और तत्काल करने के लिए बोला गया है, क्योंकि ये टेक्निकल काम है और कितनी क्लोरीन और कितनी मात्रा में मिलाई जाती है ये टेक्निकल लोग भी ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। इसलिए जो पानी का सैंपल है वो पीएचए विभाग से हम टेस्ट करने के लिए भेजेंगे।